उमर के सामने विशाल ने खाई माँ की कसम, शमिता को देंगे धोखा। टीवी रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 15 में विशाल कोटियन और शमिता शेट्टी दोनों एक दूसरे को धोखा देने पर लगे हुए हैं। दरअसल एक दूसरे के सामने ये दोनों भाई बहन के रिश्ते की दुहाई देते हैं, लेकिन पीठ पीछे दोनों एक दूसरे को धोखा देने की बात करते नजर आए हैं। दरअसल विशाल से शमिता का विश्वास उठ चुका है, जो पिछले वीकेंड का वार में देखने को भी मिला। वहीं विशाल कोटियन भी अब फ्रंट फुट पर आकर इंडिविजुअल गेम खेलने की बात कह चुके हैं। वीकेंड का वार के दौरान दोनों के बीच जमकर बहस भी हुई थी और अब वही आगे कंटिन्यू होता नजर आ रहा है। दरअसल एक दूसरे के मुंह पे ये दोनों एक दूसरे का जमकर सपोर्ट करते हैं। आपको बता दें कि विशाल कोटियन वीआईपी मेंबरशिप हासिल करने के लिए उमर रियाज को ये कहते सुनाई दिए हैं कि वो अपने मम्मी पापा की कसम खाते हैं कि वो आगे चलकर शमिता का साथ छोड़कर उमर, करण और तेजस्वी के ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। वहीं विशाल ने शमिता से ये बताया कि पहले मुझे उनका भरोसा जीतने दीजिए, फिर बाद में मैं फ्लिप मार दूंगा। हालांकि विशाल कोटियन के दिल में क्या है ये कह पाना अभी जल्दबाजी होगी। वहीं दूसरी तरफ शमिता शेट्टी, जो विशाल कोटियन को अपना भाई बताती हैं, लेकिन वीआईपी मेंबरशिप हासिल करने के अगले टास्क में वो विशाल के खिलाफ गेम खेलती नजर आई हैं। दरअसल विशाल ने जब शमिता को ये बताया कि वो आखिरी राउंड तक पहुंचने वाले हैं, तो शमिता को शक हो गया कि विशाल ने करण और उमर के ग्रुप के साथ सांठगांठ कर ली है और इसीलिए वो ये दावे के साथ कह रहे हैं कि वो आखिर तक जाएंगे। शमिता ने विशाल और राजीव के साथ मिलकर जो प्लान बनाया था, शमिता ने उस प्लान को नाकामयाब कर दिया और राजीव को ये बताया कि हमें विशाल की मदद नहीं करनी है क्योंकि विशाल ने उमर ग्रुप के साथ सांठगांठ बना ली है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि विशाल और शमिता दोनों ही एक दूसरे के मुंह पर अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे ये दोनों एक दूसरे को धोखा देने का प्लान बना रहे हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा कि इन दोनों में से आखिरकार धोखेबाज साबित कौन होता है। बिग बॉस से जुड़ी इसी तरह की खबरें लगातार पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के जरिए हम तक ज़रूर पहुँचाएँ।